हेलो फ्रेंड्स नेम में सपने स्वास्थ्य हो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नई रफ्तार फ्रेंड्स आपके एक कमेंट अक्सर आते रहते हैं कि सर हमको एक नया लैपटॉप लेना है हमने सीपीयू पी सेलेक्ट कर लिया है हमने रैम सेलेक्ट कर लिया है अल्टीमेटली हमने लैपटॉप सेलेक्ट कर लिया कि हमको लेना कौन सा है बट उसमें कन्फ्यूज़न क्या हो रहा है कि वो दो वेरियंट में आ रहा है एक में आपका पाँच सौ का एस दिया हुआ है और सेकेंड वेरिएंट में आपका दो का एस प्लस एक टी का एच दिया हुआ है प्राइस भी मोर ऑन लेस सेम ही है तो आपको कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए मतलब आपको पाँच सौ बारह जी वाला लैपटॉप लेना है या दो सौ पचास जी बी प्लस एच डी डी वाला लैपटॉप लेना है तो चलिए आज इसको बात करते हैं कि आपके लिए कौन सा लैपटॉप बेस्ट रहेगा तो उसको हम अलग अलग पॉइंट में कंसिडर करते हैं फिर आप देखिए कि आपके लिए कौन सा लैपटॉप ज़्यादा अच्छा रहेगा तो सबसे बेसिक पॉइंट स्पीड तो देखिए स्पीड की जहां बात करते हैं तो वो आपने सुना ही होगा कि एस में स्पीड बहुत ज़्यादा होती है बट स्पीड अल्टीमेटली आपको चाहिए किसमें मेनली आपके ऑपरेटिंग सिस्टम या एक दो जो मेन सॉफ्टवेयर जिसमें आप रेगुलर काम करते हैं तो चाहे आप पाँच सौ का एस वाला लैपटॉप ले लीजिए चाहे आप कॉम्बो वाला लैपटॉप ले लीजिए दोनों में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपके एस में ही जाएंगे मतलब एस एस डी में आप जाएंगे तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसका स्पीड तो आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा ही चाहे आप कौन सा भी लैपटॉप ले लेते हैं आप जो मेन सॉफ्टवेयर आप काम करते हैं मान लीजिए आप गेमिंग करते हैं कोई मेन गेम है वो आप एस एस डी में रखेंगे दोनों ही कंडीशन में तो भी आपको स्पीड के मामले में दोनों ऑलमोस्ट सेम ही रहेंगे चाहे आप कोई सा भी लैपटॉप लीजिए तो सिर्फ अगर स्पीड को आप देखते हुए ले रहे हैं तो आप कोई भी लैपटॉप ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं आएगी तो अब बात कर लेते हैं हम डाटा स्पीड की अभी हम बात कर रहे थे ऑपरेटिंग सिस्टम और मेन सॉफ्टवेयर्स की अगर आप मान लीजिए आप कॉम्बो वाला लैपटॉप लेते हैं मतलब 250 सौ पचास प्लस वन टी बी वाला लैपटॉप लेते हैं तो जो बाकी डाटा है बाकी जो भी चीज़ें हैं आपकी वो आपकी जाएंगी एच में और जो पाँच सौ बारह जी बी की एस है उसमें तो सारा चीज़ जो जाएगा वो एस में जाएगा तो बाकी के जो डाटा है अगर आपको उसमें भी स्पीड चाहिए तो फिर आप एस एस के साथ जाइए क्योंकि एच में आपको स्पीड वैसा नहीं मिलेगा जो आपको एस प्रोवाइड करेगा हम इनिशियली ये बात कर रहे थे कि जो आप मेनली काम करते हैं ना एट्टी परसेंट दिन भर में जिसमें काम करते हैं उसमें आप किसी को भी ले लीजिए चल जाएगा बट अगर आपको हंड्रेड परसेंट चाहिए कि मैं अपने लैपटॉप में कुछ भी खोलूँ और बहुत स्पीड में चले तो फिर आपको एस के साथ जाना चाहिए क्योंकि एच में जो आपके डाटा रहेंगे वहाँ पर आपको स्पीड तो थोड़ा कम देखने को मिलेगा ही अब बात कर लेते हैं स्पेस की तो मुझे नहीं लगता कि स्पेस के बारे में अब आप आपको बताने की ज़रूरत है क्योंकि जब आप पाँच सौ बारह जी बी लेंगे तो आपको स्पेस कितना मिला टोटल पाँच सौ बारह जी बी ही पर जब आप कॉम्बो लेंगे तो टू फिफ्टी जी बी का आपको एस एस डी और एक टी बी का एच डी डी मतलब बारह सौ पचास जी बी का आपको स्पेस मिल गया तो अगर आपका स्पेस का काम है कि मतलब आपको बहुत सारे डाटाज रखने हैं आप मान लीजिए मूवीज़ रखते हैं सॉन्ग सुनते हैं सॉन्ग्स रखते हैं या कोई आपका बहुत सारे फाइल्स होते हैं डाटा अल्टीमेटली आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो तो आपको कॉम्बो के साथ ही जाना चाहिए क्योंकि स्पेस तो फिर आपको चाहिए ही चाहिए हाँ आपको ये है कि नहीं मुझे सिर्फ स्पीड चाहिए मैं लिमिटेड रिसोर्सेज में भी काम कर लूँगा मतलब मैं सलेक्टेड ही फाइल्स रखता हूँ सेलेक्टेड ही सॉफ्टवेयर रखता हूँ सेलेक्टेड ही गेम्स रखता हूँ मुझे ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा फास्ट चाहिए तो फिर आप पाँच सौ बारह जी बी एस एस डी के साथ जाइए अदरवाइज़ फिर आप कॉम्बो के साथ जाइए तो स्पीड तो आपको मिल ही जाएगा एट्टी परसेंट ही सही और बाकी फिर आपका स्पेस भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा ही अब हम बात कर लेते हैं पावर कंजम्पशन की कि कौन सा लैपटॉप आपका ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा तो देखिए जो एस एस डी होता है वो बहुत कम पावर आपका कंज्यूम करता है और एच आपका ज़्यादा कंज्यूम करता है क्योंकि आपको मालूम ही होगा कि एच में एक मूविंग पार्ट होता है जो कि कॉन्स्टेंटली मूव करता रहता है मतलब उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए ज़्यादा पावर चाहिए तो जो एच होता है वो आपका ज़्यादा पावर लेता है बट आप एक चीज़ सोचिए कि आपने कॉम्बो वाला लैपटॉप लिया है तो जो मेन काम है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपके एस में है मेन सॉफ्टवेयर आपके एस में है तो एच तो रन कर ही नहीं रहा है ना एच हार्डली कितना देर रन करेगा मतलब जो एडिशनल चीज़ें हैं वो अगर जब आप वो चलाएंगे तो ही आपका एच काम करेगा तो ओवरऑल आप देखें तो पावर कंजम्पशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको ऐसे नहीं मिलेगा प्रैक्टिकल ग्राउंड में ऑन पेपर आप बोल सकते हैं कि जो एस है वो कम लेता है बट कॉम्बो में भी ऑलमोस्ट आपको उतना ही पावर कंजम्पशन हो जाएगा अब बात कर लेते हैं गेमिंग की क्योंकि आज के डेट में सबसे इम्पोर्टेंट कुछ है वो है गेम्स चाहे स्कूल के बच्चे हों चाहे बड़े हों सब गेम्स ही खेल रहे हैं तो आप हार्डकोर गेमर हैं तो आपको एस वाले लैपटॉप के साथ ही जाना चाहिए क्योंकि एस जो आपको स्पीड प्रोवाइड करेगा वो कॉम्बो कभी नहीं दे पाएगा और गेमिंग के लिए सबसे मेन चीज़ है आपका एस तो अगर गेमिंग आपकी प्रायोरिटी है तो फिर आप आग बंद करके एस वाला लैपटॉप ही लीजिए वही आपके लिए बेटर रहेगा अब बात कर लेते हैं कि अगर आप पाँच वाला एस लेते हैं तो आपके लिए क्या प्लस पॉइंट है मतलब उसके फ़ायदे क्या हैं तो देखिए जो पाँच सौ बारह जी बी वाला आप एस एस डी लेंगे तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि स्पीड तो आपको बहुत फास्ट मिलेगा एक और बहुत अच्छा उसका प्लस पॉइंट है कि जो आपका एस एस डी है वो आपका जाएगा एम डॉट टू स्लॉट में और जो आपका साटा आपका स्लॉट रहेगा वो एम टी रह जाएगा क्योंकि उसमें एच डी डी नहीं लगा है तो इन फ्यूचर जब आप अपग्रेड करना चाहेंगे आपको और ज़्यादा आपको स्पेस चाहिए तो उस साटा वाले स्लॉट में आप चाहें तो फिर साटा एस एस डी लगा लीजिए या फिर साटा एच डी डी लगा लीजिए वो आपके ऊपर है मतलब आप उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से कि आगे चल के आपको उसमें क्या करना है तो अगर आपको इन फ्यूचर अपग्रेड करना है तो फिर आप पाँच सौ बारह बारह जी बी वाला एस एस डी ले लीजिए वो आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा बट अगर आप ये बोलते हैं कि पाँच में ढाई सौ जी बी का एस एस डी ले लिया जिसमें मुझे स्पीड मिलेगा और एक टी बी का जो एच डी डी मिल रहा है वो मोर देन इनफ है उससे ज़्यादा स्पेस की मेरे कोई ज़रूरत ही नहीं ना आज ना आने वाले कल में तो तो फिर कोई दिक्कत नहीं आप कॉम्बो के साथ जा सकते हैं बट अगर आपको अपग्रेड करने की इच्छा है इन फ्यूचर लगता है कि मुझे अपग्रेड करना है तो फिर आप आज की डेट में पाँच सौ बारह जी बी एस ले लीजिए तो आपके पास एक ऑप्शन रहेगा कि आगे चल के आपको एस ही लगाना है या फिर एच लगाना है चलिए आप कंक्लूज़न की बात करते हैं कि कौन सा लैपटॉप किसको लेना है तो अगर आप एक हार्ड कोर गेमर है यानी गेमिंग आपकी प्रायोरिटी है तो आप एस के साथ ही जाइए ना एस वाले वेरियंट के साथ ही जाइए अगर आपको स्पीड चाहिए मतलब अल्टीमेटली आपका प्रायोरिटी ये है कि मैंने लैपटॉप ऑन किया अब मैं किसी भी फाइल को एक्सेस करूँ मुझे बहुत फास्ट वो काम करे तो भी आपको एस एस डी वाला लैपटॉप ही लेना है और इन फ्यूचर अगर आप अपग्रेड करने के बारे में सोच रहे हैं तो भी आपको एस एस डी वाला लैपटॉप ही लेना चाहिए अब कॉम्बो वाला लैपटॉप किसको लेना है मतलब आपको स्पीड भी चाहिए आपको स्पेस भी चाहिए आपको उतना अपग्रेड की ज़रूरत नहीं है मतलब अल्टीमेटली इतना स्पेस बहुत है आपका आज भी और आने वाले मतलब एक दो साल में भी तो आपका इतना स्पेस में काम चल जाएगा तो फिर आप कॉम्बो के साथ जाइए बाद में आपके लिए कोई झंझट ही नहीं है क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम आप डाल देंगे एस में बाकी के लिए आपके लिए एच डी डी है ये आप वहाँ पर सारी चीज़ें स्टोर कर लेंगे तो होप करता हूँ आपको समझ में आया हो कि कौन सा लैपटॉप किसके लिए है और आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा तो बस यही था आज के वीडियो में अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे एक लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक खुश रहिए मस्त रहिए बिंदास रहिए। टेक केयर